हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट लेक्चर, जहां अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ओवरलैपिंग। लास्ट लेक्चर में अपन ने ओवरलैपिंग के सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए थे, इस टाइम अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ओवरलैपिंग। जनरली मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, ओवरलैपिंग तक अपन पढ़ लेते हैं कि क्या सिग्मा ओवरलैपिंग होती है, क्या पाई ओवरलैपिंग होती है, क्या डेल ओवरलैपिंग होती है, लेकिन जो एप्लीकेशन पार्ट है वो इंपॉर्टेंट होता है अपने एग्जाम के प्रस्पेक्टिव कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब ओवरलैपिंग सीखना ही काफ़ी नहीं है, ओवरलैपिंग की एप्लीकेशन भी अपने को आनी चाहिए, तभी अपन उसको क्वेश्चंस पर अप्लाई कर पाएंगे, तभी अपन उससे कुछ अच्छी चीज़ सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ओवरलैपिंग। जो ओवरलैपिंग है वो प्रोपोर्शनल होती है 1/n के, या कहूँ समानुपाती होती है 1/n के, जहाँ मेरा n क्या है, n मेरा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जहाँ n मेरा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या है, ठीक है। साथ ही ओवरलैपिंग जो होती है वो समानुपाती होती है किसके, डायरेक्शनल बिहेवियर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के दिशात्मक व्यवहार के समानुपाती होती है। अब डायरेक्शनल बिहेवियर से मैं आपको बता दूं, जनरली मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, डायरेक्शनल बिहेवियर जो ऑर्बिटल्स का होता है, जनरली ऑर्बिटल्स चार होती हैं SPDF, ठीक है, तो उनका जो डायरेक्शनल बिहेवियर होता है वो क्या होता है, एस का सबसे कम होता है, फिर पी का सबसे कम, फिर डी का और फिर एफ का। या मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा जो डायरेक्शनल बिहेवियर होगा वो एफ ऑर्बिटल का होगा, फिर डी ऑर्बिटल का, फिर पी का, और सबसे कम जो डायरेक्शनल बिहेवियर होगा वो एस ऑर्बिटल का होता है। तो यानी अब बात आती है ओवरलैपिंग की, पीछे भी अपन ने पढ़ा है ओवरलैपिंग मतलब जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड्स के बीच में उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा हुई तो ओवरलैपिंग उतनी ही कम होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, स्टेबिलिटी उस बॉन्ड की उतनी ही कम होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर अपने को ओवरलैपिंग अच्छी करवानी है, या कहूँ बॉन्ड की स्ट्रेंथ अपने को अच्छी चाहिए, या फिर अपने को क्या हो बॉन्ड स्टेबल चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, एन की कम से कम वैल्यू अपने को चाहिए। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर कम से कम होगा तो ओवरलैपिंग उतनी ही अच्छी होगी। दूसरे में मैं यही बात एक तरीके से और कह सकता हूँ कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी जितनी कम होगी उनके बीच में ओवरलैपिंग्स उतनी ही अच्छी होगी, उनमें स्टेबिलिटी उतनी ही अच्छी आएगी। तो ये बात अपन सीखते हैं यहाँ से, ठीक है। अब मैं बात बताऊँ आपको, दो चीज़ें यहाँ कंसिडर हैं, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेस पर अपन देख सकते हैं कि ओवरलैपिंग कितनी अच्छी हो रही है या कितनी बेकार ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। दूसरी अपन देख सकते हैं डायरेक्शनल बिहेवियर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, दो कंडीशंस यहाँ हैं। लेकिन सपोज कीजिए किसी एग्जाम्पल में ऐसा हो जहाँ दोनों को कंसिडर करना हो, तो अपन किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो पहली प्रायोरिटी जो मैन प्रेफरेंस होती है वो मैन मेरा होता है, या कहूँ जो मेजर मैं कह सकता हूँ, जिसको आप मेजोरिटी दोगे, ठीक है, या जिसको प्रायिकता पहले दोगे, जिसको प्रेफरेंस अपन पहले देंगे, वो अपना होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले अपन देंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेस पर, देन अगर अपने पास ऐसी कोई क्वेश्चन में कंडीशन आती है जहां अगर n की वैल्यू सेम आ जाए, जहां n की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर सेम आ जाए, तब अपन जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वो अपना होगा डायरेक्शनल बिहेवियर ऑफ ऑर्बिटल्स। तब अपन जाएंगे अपने इस डायरेक्शनल बिहेवियर ऑफ ऑर्बिटल वाले कॉन्सेप्ट पर कि अपने को क्या लगाना है, ठीक है। तो चलिए अपन इनको कुछ क्वेश्चन से समझते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको सीख लिया मतलब आपका ओवरलैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है, फिर अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी पूरे ओवरलैपिंग के चैप्टर में, इसकी एप्लीकेशन में, या फिर आज के लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन से, अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अपना अपने को करना है ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है बिटवीन 2p 2p ऑर्बिटल, 3p 3p ऑर्बिटल, 4p 4p ऑर्बिटल और 5p 5p ऑर्बिटल। यानी एक्चुअल में क्या है इस क्वेश्चन में, आपको पहले क्वेश्चन में आपको चार टाइप्स की ओवरलैपिंग दिखाई गई है। पहली जो ओवरलैपिंग हो रही है ये 2p 2p ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, दूसरी जो ओवरलैपिंग हो रही है वो 3p 3p ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, ये जो ओवरलैपिंग है ये 4p 4p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, और ये है मेरी 5p 5p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग। अब अपने को बताना है ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ कि इनमें से कौन सी ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो एक्चुअल में क्या है, अपने को ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे वो अपन देखेंगे ओवरलैपिंग से, कि जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतनी ही अच्छी क्या होगी, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। अब ओवरलैपिंग को कैसे देखेंगे, ओवरलैपिंग को इन दो चीज़ों से अपने को देखना है, जहाँ अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर कम है तो ओवरलैपिंग अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। तो अपन मैथ्स में पढ़ते हैं कि अगर एन की वैल्यू कम है
मैं कहूँ अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन के, तो अगर एन कम हो रहा है तो ओवरलैपिंग अपने आप ही क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपने को चेक करना है इस पहले क्वेश्चन में कि एन की वैल्यू किसकी कम है या किन ऑर्बिटल्स के लिए एन की वैल्यू या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम है। तो मुख्य क्वांटम संख्या जिसकी कम होगी या जिन ऑर्बिटल्स की कम होगी उनके बीच में ओवरलैपिंग उतनी ही अच्छी होगी। तो अपन देखते हैं पहले एग्जाम्पल में। अब आप बात आएगी एन कैसे, एन जो इन ऑर्बिटल्स के जो टच में जो होती है नंबर वही अपनी क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या। जनरली अपन बेसिक क्लासेस में अपन पढ़ते हैं, जो 9th 10th लेवल से अपन ये चीज़ें पढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो होता है, ये होता है मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। ठीक है, ये मेरी 2p ऑर्बिटल है जहाँ ये जो संख्या है, जो नंबर है दो, ये शो करता है मुख्य क्वांटम संख्या को या प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को। तो यहाँ एन की वैल्यू दो है, यहाँ भी एन की वैल्यू दो है। अच्छा, एक चीज़ और, क्वेश्चंस को करते टाइम आप देखिएगा कि ऑर्बिटल्स कौन कौन सी कंसिडर्स हो रही हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो सारी पी ही ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग्स हो रही हैं, बस फर्क क्या है, फर्क इनके एन में है, या कहूँ मुख्य क्वांटम संख्या में। यहाँ दो दो, यहाँ तीन तीन, यहाँ इनकी वैल्यू चार चार है, यहाँ इनकी वैल्यू पाँच पाँच है। और अपने को क्या चाहिए, मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू कम से कम चाहिए ताकि ओवरलैपिंग अच्छी हो सके। तो सबसे कम वैल्यू कहाँ है, सबसे कम वैल्यू तो इन्हीं ऑर्बिटल्स के लिए है मुख्य क्वांटम संख्या, है कि नहीं। यहाँ पी और पी ऑर्बिटल्स कौन सी ली गई हैं, टू पी ली गई हैं, तो यानी यहाँ मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू दो और दो है। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ दो है, यहाँ इनकी वैल्यू तीन आ रही है, यहाँ इनकी वैल्यू चार आ रही है, और यहाँ इनकी वैल्यू पाँच आ रही है। तो जिसके लिए एन की वैल्यू सबसे कम होगी या जिन ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है उनके लिए एन की वैल्यू जितनी कम होगी अपना ओवरलैपिंग उतना ही अच्छा होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो अच्छी ओवरलैपिंग होगी वो मेरी किस में होगी, टू पी में, देन अपनी होगी थ्री पी में, देन मैं कह सकता हूँ फोर पी में, और सबसे लास्ट में जो सबसे वीक ओवरलैपिंग होगी वो होगी फाइव पी ऑर्बिटल्स के बीच में। तो इस क्वेश्चन का अपना ये आंसर हो जाएगा इजी वे में। ये बात तो अपने देख ली, ये तो क्वेश्चन तब था जब ऑर्बिटल्स सेम थी, जब ऑर्बिटल्स सेम थी यानी हर जगह पहले क्वेश्चन में पी ऑर्बिटल चल रही है और एन की वैल्यू है डिफरेंट। अब बात अपन सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आपको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, मैंने आपको बोला था कि डायरेक्शनल बिहेवियर भी कब लगेगा, जो अपने पास क्वेश्चन में अलग अलग ऑर्बिटल्स होंगी। आप सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ एस ऑर्बिटल है, ठीक है, एस ऑर्बिटल है, ठीक है, ऊपर वाले के जैसा ही है, यहाँ पी ऑर्बिटल थी, यहाँ एस थी। लेकिन जैसे आप यहाँ मूव करोगे आपको एस और पी ऑर्बिटल दिखेंगी। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं अपना जो काम होगा वो सिर्फ इसी के बेस पे नहीं होगा, अपना काम इसके बेस पर भी होगा, अपने को ये कॉन्सेप्ट भी यूज में लेना पड़ेगा। अब वो कॉन्सेप्ट कैसे यूज में लेंगे, मैंने आपको एक बात और बताई थी, आपको मेजोरिटी किसको देनी है, प्रायिकता किसको देनी है सबसे ज़्यादा, अपने को पहले देखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसके बेस पर ही अपन क्वेश्चन करेंगे, इसके बेस पर ही अपन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। जहाँ अपना ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद अपन अप्लाई करेंगे अपना डायरेक्शनल बिहेवियर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो वो अपन कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं। यहाँ अगर अपन क्वेश्चन में देखें तो 1s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ 2s ऑर्बिटल्स के बीच की ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ 2s 2p ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, और यहाँ क्या है 2p 2p ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। तो क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, पहले अपने पास क्या है देखिएगा, एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, यहाँ भी एस। तो पहले आप इन दो को देखिए, बाकी चीज़ों को बाद में देखना, पहले इन दो को देखो। देखो अगर आप इन तीन को देखो कंसिडर करोगे तो यहाँ क्या है, यहाँ एन की वैल्यू सब में सेम है, यहाँ भी दो 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 दो, इसका मतलब साफ है कि यहाँ तो एन की वैल्यूज तो सेम आ रही हैं। तो यानी यहाँ एन के बेस पर, मुख्य क्वांटम संख्या के बेस पर तो आप ओवरलैपिंग नहीं बता सकते। यानी यहाँ लगेगा अपना डायरेक्शनल बिहेवियर, यहाँ अपन को कंसिडर करना है इन तीन में डायरेक्शनल बिहेवियर। लेकिन बात इसकी आती है, यहाँ एन की वैल्यू सेम है लेकिन यहाँ एन की वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ एन की वैल्यू एक आ रही है जबकि बाकी सब में दो है। तो यानी सबसे मेन काम क्या होगा अपना, इसके लिए इस एस ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग हो रही है वहाँ एन की वैल्यू एक एक है, सबसे कम एन की वैल्यू होने के कारण क्या होगी, इसकी ओवरलैपिंग जो होगी, मैं इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, 1s 1s की ओवरलैपिंग क्या होगी, सबसे बेस्ट होगी। क्योंकि अपन मेजोरिटी किसको दे रहे हैं, अपन मेजोरिटी दे रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले सिस्टम को। ठीक है, कि जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे कम होगा उसकी ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा होगी, देन अपन कंसिडर करेंगे डायरेक्शनल बिहेवियर को, फिर अपन डायरेक्शनल बिहेवियर लगाएंगे ऑर्बिटल्स के बीच में किसका कम किसका ज़्यादा है, उसके बेस पर अपन बाकी का ऑर्डर लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने को देखना एन जिस जहाँ कम आ गया वहीं क्या हो गया, उसी ऑर्बिटल के लिए अच्छी ओवरलैपिंग होगी, उसी ऑर्बिटल के बीच में क्या हो जाएगी, अच्छी बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी, अच्छा क्या होगा, स्टेबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये मैंने देख लिया कि मेरा 1s 1s ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग बहुत अच्छा हो रहा है, इसके लिए स्ट्रेंथ भी सबसे अच्छी होगी।
क्यों? क्योंकि यहाँ क्वांटम संख्या क्या हो रही है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या सबसे कम वैल्यू एक आ रही है, आ रही है, एन कम है तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं बाकी तीन में ऑर्डर अपन कैसे देखें, ठीक है। एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसको अपन ने प्रेफरेंस दी है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के आधार पर, ठीक है। बाकी सबको जो प्रेफरेंस ऑर्डर अपन बनाएंगे, यहाँ स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर बनाएंगे कि किसकी स्ट्रेंथ किस ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी हो रही है, वो अपन कर रहे हैं डायरेक्शनल बिहेवियर पर। इसका मतलब साफ है कि पहले आपको चेक करना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसके लिए सबसे कम, उसको आप चेक करो, उसको सबसे आगे स्ट्रेंथ में शो कर दो, बाकी जो बचे हैं उनको डायरेक्शनल बिहेवियर पर करो आप, ठीक है। तो यहाँ इनमें चेक करना है डायरेक्शनल बिहेवियर। अब देखिए मैं यहाँ कौन कौन सी ऑर्बिटल्स वर्क कर रही हैं। अच्छा, यहाँ एन की वैल्यू तो दो है, तो एन तो दो, सब तीनों ऑर्बिटल्स यहाँ जो ओवरलैपिंग्स हो रही हैं उनमें एन तो सेम है, तो एन का तो कोई चक्कर यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पर हमें कंसिडर करना है डायरेक्शनल बिहेवियर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब बात आती है डायरेक्शनल बिहेवियर की। दो टाइप्स की ऑर्बिटल वर्क कर रही हैं, एक तो एस है और एक पी टाइप की ऑर्बिटल यहाँ वर्क कर रही है, डी और एफ यहाँ पे नहीं है। तो अपने को पता है पी ऑर्बिटल है उसका डायरेक्शनल बिहेवियर ज़्यादा होता है, किसकी कंपेयर में, एस ऑर्बिटल के कंपेयर में, ये मैंने लिखाया हुआ है ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पी और पी ऑर्बिटल्स क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, पी का भी डायरेक्शनल बिहेवियर ज़्यादा, इस पी का भी डायरेक्शनल बिहेवियर ज़्यादा, यानी यहाँ तो डायरेक्शनल बिहेवियर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जहाँ डायरेक्शनल बिहेवियर बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या समानुपाती होता है ओवरलैपिंग के, और जहाँ ओवरलैपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी वहाँ बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी, बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी बाकी के इन दो के कंपेयर में। क्यों? देखो यहाँ डायरेक्शनल बिहेवियर है बहुत ज़्यादा है, पी है, यहाँ भी पी ऑर्बिटल है, इसका भी डायरेक्शनल बिहेवियर बहुत ज़्यादा है, दोनों ओवरलैप करेंगे तो और ज़्यादा डायरेक्शनल बिहेवियर हो जाएगा, यानी यहाँ जो स्ट्रेंथ होगी वो आएगी सबसे ज़्यादा, इन तीन में सबसे ज़्यादा होगी इसकी, क्योंकि यहाँ दो ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनका डायरेक्शनल बिहेवियर बहुत ज़्यादा है। सेकंड अपन आते हैं इसके ऊपर, देखिएगा यहाँ एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, पी का तो डायरेक्शनल बिहेवियर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन एस का सबसे कम आ रहा है, एस का सबसे कम है कि नहीं है, है, यानी यहाँ एक ऑर्बिटल का तो डायरेक्शनल ज़्यादा है और एक का कम है, कुल मिला के थोड़ा बहुत डायरेक्शनल बिहेवियर यहाँ पे अपने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो एस और एस है, एस का, इस एस का भी डायरेक्शनल बिहेवियर बहुत कम है और इस एस का भी बहुत कम डायरेक्शनल बिहेवियर है, तो ओवरऑल इनकी जब ओवरलैपिंग होगी तो इतना वीक डायरेक्शनल बिहेवियर होगा कि उसको सबसे लास्ट में कंसिडर करेंगे। इसी वजह से क्या होगा, यहाँ थोड़ा तो डायरेक्शनल बिहेवियर मिल रहा है इस पी की वजह से, ठीक है, तो इसका जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो इसके बाद में आएगा 2s2p, और सबसे लास्ट में आएगा 2s2s क्यों आ रहा है, क्योंकि s और s ऑर्बिटल, दो s ऑर्बिटल ओवरलैप करें और दोनों ही s होने के कारण क्या है, सबसे कम डायरेक्शनल बिहेवियर रखते हैं, और सबसे कम डायरेक्शनल बिहेवियर होगा तो ओवरलैपिंग भी सबसे कम होगी और उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी सबसे कम होगी, इसी वजह से 2s2s ऑर्बिटल क्या हो जाएंगी, सबसे लास्ट में आएगी। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ मैन अगर आप देखोगे तो आपको साफ दिखेगा इस क्वेश्चन में क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, ये तो अपने को सीखना है। यहाँ तो आपको दिखेगा कि इसमें एन सबसे कम और बाकी सब में एन सबसे ज़्यादा है, तो पहला काम तो अपने को एन कंसिडर करना है, एन जहाँ अपने को कम मिल गया वहीं अपना काम बन गया, सबसे ज़्यादा का तो ऑर्डर अपने को वहीं पता चल जाएगा। तो एन सबसे कम इसमें था तो सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग वाला अपने को जो ऑर्बिटल्स थी वो तो अपने को मिल गई 1s1s। अब बात आती थी बाकी तीन में, बाकी तीन में एन की वैल्यू सेम है तो कंसिडर, तो मूव करेंगे अपन डायरेक्शनल बिहेवियर की ओर, ठीक है। और जहाँ डायरेक्शनल बिहेवियर सबसे ज़्यादा होगा ऑर्बिटल्स के बीच में, वहाँ ओवरलैपिंग भी सबसे अच्छी होगी, वहाँ बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी सबसे अच्छी होगी। तो अपन क्या करेंगे, अपन चेक करेंगे कि इनमें डायरेक्शनल बिहेवियर किन किन ऑर्बिटल्स में सबसे ज़्यादा है। पी का भी डायरेक्शनल बिहेवियर अच्छा है, ठीक है, इस पी का भी डायरेक्शनल बिहेवियर अच्छा है, ओवरऑल दोनों ओवरलैप करेंगे तो डायरेक्शनल बिहेवियर और अच्छा हो जाएगा। यहाँ मैं बात करूँ, एस का डायरेक्शनल बिहेवियर सबसे कम है, पी का डायरेक्शनल बिहेवियर ज़्यादा है। यहाँ तो दोनों ही क्या है, इक्वल डायरेक्शनल बिहेवियर वाली थी, ज़्यादा डायरेक्शनल बिहेवियर वाली थी, यहाँ क्या था, एक का कम है एक का ज़्यादा है, तो ओवरऑल इसकी तुलना में इस ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग होगी वो थोड़ी वीक ही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ एक एस ऑर्बिटल आ चुकी है जिसका डायरेक्शनल बिहेवियर क्या कम है, और यहाँ तो क्या है, दोनों ही एस ऑर्बिटल्स हैं, और तो दोनों ही एस ऑर्बिटल होने के कारण इनका डायरेक्शनल बिहेवियर तो बहुत ही कम होगा, यानी इनकी ओवरलैपिंग जो होगी वो बहुत ही कम होगी और इनकी जो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ होगी वो सबसे कम हो जाएगी। तो इस टाइप से अपने को सेकंड क्वेश्चन करना था, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में अपने पास ओवरलैपिंग हो रही है 3p 3p ऑर्बिटल्स के बीच में। पहला क्या देखना है, मुख्य क्वांटम संख्या अपने को देखनी है कि मुख्य क्वांटम संख्या
किसकी सबसे कम है, जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या सबसे कम होगी जिस ऑर्बिटल की, उसके लिए ओवरलैपिंग उतनी ही अच्छी होगी, वो ऑर्बिटल उतनी ही अच्छी ओवरलैपिंग करेगी। तो वो अपन कैसे चेक करेंगे कि किस ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कम है ज़्यादा है, वो देखेंगे सबसे पहले एन के बेस पर कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या अपनी जिसकी कम होगी ऑर्बिटल की उसी की ज़्यादा। तो चलिए अपन देखते हैं। यहाँ आपको एक चीज़ और, जब आप प्रिंसिपल क्वांटम संख्या देख रहे हो तो आपको ऑर्बिटल्स पे फोकस नहीं कर रहा है कि ऑर्बिटल डी है, पी है, एस है या एफ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आपकी मुख्य क्वांटम संख्या का कितनी है, जितनी कम से कम होगी उतनी ही अच्छी उस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी। यहाँ एन तीन है, दो है, बाकी इन दो में अगर आप देखोगे तो तीन 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 तीन। इसका मतलब एक चीज़ तो आपको दिख रही है कि यहाँ तीन तीन तीन, बाकी सब में यहाँ एक दो आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ मुख्य क्वांटम संख्या मान कम आ रहा है, ठीक है, बाकी सब में तो तीन 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 तीन, लेकिन यहाँ तीन दो है तो यहाँ एक में कम आ गया। इस ऑर्बिटल के लिए मुख्य क्वांटम संख्या बाकी पी ऑर्बिटल्स के कंपेयर में कम है, या फिर कहूँ ओवरऑल तीन दो का रेशो है, यहाँ तीन तीन, यहाँ तीन तीन। इसका मतलब क्या है, सबसे कम रेशो तो इसी में हुआ, तीन दो है, बाकी तो तीन तीन है, यानी ये अपनी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग वाले ऑर्बिटल्स हो जाएंगी। तो यहाँ ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी बाकी दो के कंपेयर में। अब कंपेयर करना है इन दोनों को कि 3d3p की ओवरलैपिंग अच्छी होगी या 3p3p की, ये कैसे देखेंगे। अब यहाँ मुख्य क्वांटम संख्या तो दोनों में इक्वल आ गई, तो उसके बेसिस पे तो होगा नहीं, तो किसके बेस पे करेंगे, तो करेंगे अपन डायरेक्शनल बिहेवियर के बेस पे। जिस ऑर्बिटल्स का डायरेक्शनल बिहेवियर ज़्यादा होगा उसकी ओवरलैपिंग भी ज़्यादा और उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी भी ज़्यादा। तो वो अपन कैसे देखेंगे, आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ देखते हैं अपन पी ऑर्बिटल। अच्छा एक चीज़ है, यहाँ कौन सी दो ऑर्बिटल्स वर्क करें, एक डी ऑर्बिटल वर्क करी और एक पी ऑर्बिटल, बाकी ना तो एस है यहाँ पर ना एफ है। तो डी का डायरेक्शनल बिहेवियर ज़्यादा है किसके कंपेयर में, पी के कंपेयर में। तो यहाँ पी और पी ऑर्बिटल वर्क कर रही हैं, पी का भी डायरेक्शनल बिहेवियर है और इस पी का भी डायरेक्शनल बिहेवियर है, ओवरऑल मिला के डायरेक्शनल बिहेवियर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ भी पी वर्क कर रही है तो पी का अच्छा डायरेक्शनल बिहेवियर है, लेकिन देखोगे तो यहाँ डी आ रही है, यहाँ डी ऑर्बिटल आ रही है, डी का तो और भी ज़्यादा डायरेक्शनल बिहेवियर होता है, होता है कि नहीं होता, पी के कंपेयर में होता है। तो यहाँ जो ओवरलैपिंग के बाद जो डायरेक्शनल बिहेवियर आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा इसके कंपेयर में, क्योंकि यहाँ डी ऑर्बिटल आ चुकी है। सपोज़ अगर यहाँ एफ होती एक, सपोज एक बात है, होती नहीं लेकिन होती, अगर एफ एक बात है, अगर एफ होती तो और भी ज़्यादा ओवरलैपिंग्स होती और भी अच्छा डायरेक्शनल बिहेवियर अपने को मिलता। तो इस वजह से क्या है, यहाँ जो होगा डायरेक्शनल बिहेवियर इन 3D और 3P का ज़्यादा होगा 3P 3P से, ठीक है। यहाँ भी होगा अच्छा ओवरलैप होगा, ठीक है, लेकिन कंपेयर में इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ 3P 3P तो सेम है, लेकिन यहाँ 3P, लेकिन यहाँ 3D आ गई है, और D का ओवरलैपिंग क्या होता है, ज़्यादा होता है, या कहूँ D का जो डायरेक्शनल बिहेवियर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से अपने वो करने हैं तीनों क्वेश्चन, और ये तीन क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए फिर एप्लीकेशन ऑफ ओवरलैपिंग के पार्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि किस में ओवरलैपिंग्स अच्छी होती है, किन ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग्स अच्छी होती है। तो यहाँ से अगर आपने सीख लिया तो फिर अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम से क्वेश्चन करने में। चलिए फिर अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज मोर स्टेबल, इन दो कंपाउंड्स में ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने इस कंपाउंड के बारे में तो आपको बताया था। इस कंपाउंड में क्या थी मेरी, इस कंपाउंड में मेरी थी डेल बॉन्डिंग। डेल बॉन्डिंग से मतलब क्या था कि जो दो मेटल्स हैं रिनियम मेरी जो दो मेटल्स हैं इनके बीच में क्या है, टेट्राबॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे मैं आपको बता दूँ, ये जो कंपाउंड है यहाँ भी क्या है, दो मेटल हैं मोलिब्डेनम की, इन दोनों के बीच में भी क्या होता है, डेल बॉन्डिंग ही पाई जाती है। ये मेरा मोलिब्डेनम रहा, ये रहा, ठीक है। अब बात आती है इनकी स्टेबिलिटी की। अब यहाँ देखने से तो ये लग रहा है कि चार बॉन्ड यहाँ, चार ही बॉन्ड यहाँ, तो यहाँ स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे। क्लोरीन जो लिगेंड अटैच है वो भी ऐट है, नंबर उनकी भी ऐट है, आठ हैं, तो स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे। क्वेश्चन अपन एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं ओवरलैपिंग की, तो मतलब साफ है कि ओवरलैपिंग चल रहा है। डेल बॉन्ड है तो डेल बॉन्ड भी ओवरलैपिंग में ही आता है, ओवरलैपिंग में पढ़ते हैं अपन डेल ओवरलैपिंग डेल बॉन्ड। अब बात आती है कैसे चेक करें। ओवरलैपिंग का सीधा कॉन्सेप्ट जो अपने यहाँ देखा है उससे अपने को यही ध्यान में रहता है कि ओवरलैपिंग जो है वो अपन डायरेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते जब तक अपने को ऑर्बिटल्स का नॉलेज नहीं हो कि दो एटम्स या दो एलिमेंट्स या जो दो मेटल्स हैं वो ओवरलैप कर रही हैं उनमें कौन कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही हैं बॉन्डिंग्स में, ठीक है। ये तो ओवरऑल क्वेश्चन था जब आपको डायरेक्ट दिया हो। अगर आपको सपोज ऐसी मेटल्स दे दे या ऐसे कंपाउंड्स एलिमेंट्स दे दे और उनकी बॉन्डिंग्स पूछ ले कि कौन सा अच्छा बॉन्ड शो करेगा
किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो वो अपन कैसे देखेंगे, वो अपन देखेंगे कि अपने को पता होगी वो जो एलिमेंट है या जो मेटल है वो कौन सी ऑर्बिटल्स को लेकर ओवरलैपिंग कर रही है। तो यहाँ आप देखोगे रीनियम है, यहाँ मॉलिब्डेनम्स हैं। अब आपको देखना पड़ेगा ऑब्वियसली ये डी ब्लॉक की मेटल्स हैं, और डी में भी ये कहाँ आती हैं, सोचिए ये डी में कहाँ आती हैं। ये मेरी जो ऑर्बिटल है ये मेरी 3D, सॉरी ये मेरी कहाँ आती है 4D, 4D जो सीरीज मेरी है उस 4D सीरीज की मेटल है मॉलिब्डेनम, है कि नहीं है? है भाई, 3D में कौन सी आती है? 3D में तो अपने स्कैंडियम, टैडियम, मेरिडियम चलते हैं, ठीक है। 4D में कौन सी आती हैं? ईट्रबियम वाले चलती हैं, ठीक है, जर्कोनियम चलता है, ठीक है, मॉलिब्डेनम भी आता है, उसी में आता है। तो मेरी रीनियम वाली मेटल्स कौन सी में होगी? तो रीनियम वाली तो लेंथेनाइड तो नहीं कहूँगा, लेकिन लेंथेनम जो स्टार्ट होता है उस सीरीज़ में 5D सीरीज़ की मेटल्स होती है अपनी, कौन सी? रीनियम। यानी रीनियम मेटल है 5D की और मॉलिब्डेनम है 4D की। इसका मतलब यहाँ जो ओवरलैपिंग्स हो रही होगी, जनरली टेट्रा बॉन्ड्स बन रहे हैं या जो डेल बॉन्ड्स बन रहे हैं, ये कौन से ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं? मैंने वहाँ भी पढ़ाया था डी ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो यहाँ इस रीनियम की भी क्या होगी, 4D मेटल्स, 4D ऑर्बिटल आई होगी, और इस रीनियम दूसरे रीनियम मेटल की भी 4D ऑर्बिटल्स आई होगी, आई कि नहीं आई होगी, सॉरी 4D नहीं, आई एम सॉरी 5D, क्योंकि रीनियम क्या है 5D मेटल है, ठीक है, 5D सीरीज की, 5D श्रृंखला की मेटल है मेरी रीनियम। तो 5D श्रृंखला की मेटल है तो यहाँ जो आउटर मोस्ट सेल होगी वो मेरी कौन सी होगी, 5D ही होगी, ठीक है। तो ये मेरी 5D है और ये भी मेरी क्या है 5D। यानी यहाँ जो बॉन्डिंग हो रही है, डेल बॉन्डिंग हो रही है या जो टेट्रा बॉन्डिंग हो रही है, आप ओवरऑल ये देखिए वो हो रही है 5D ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। क्यों? क्योंकि जो मेटल है वो कौन सी सीरीज़ की हैं, वो 5D सीरीज की हैं, तो ऑर्बिटल भी 5D वर्क करेगी, ठीक है। यहाँ अपन देखते हैं मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम ये है 4D सीरीज की, 4D सीरीज की है, तो इसका भी 4D ऑर्बिटल और इसका भी क्या आएगा 4D ऑर्बिटल क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो यानी यहाँ तो 4D ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल्स, और यहाँ 5D ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है। तो किसकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी, किसकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी, ये आप सोच के बताइएगा कि किसकी ओवरलैपिंग अच्छी होती है, 4D ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग अच्छी होगी या 5D की होगी। चलिए सोचिए और बताइए, अपन ने पीछे कॉन्सेप्ट भी सीख चुके हैं, अब मैन अपने पास चीज़ आ चुकी है, ये दोनों। अब मेटल्स का कोई रोल नहीं है कि भाई अपन इसको देखें कि कौन सी ओवरलैपिंग है, ऐसे देख के बताएंगे वो, देख के तो नहीं पता चलेगा। अपन ने कंक्लूजन निकाल लिया है कि यहाँ जो मेटल्स के बीच में जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग्स में, वो कर रहे हैं 5D, क्योंकि रीनियम क्या है 5D सीरीज़ का मेटल है, जबकि मॉलिब्डेनम है अपना 4D सीरीज़ का मेटल है। तो यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रही है वो ओवरलैपिंग होगी 4D ऑर्बिटल्स के बीच में, ठीक है, क्योंकि एक 4D इसकी आएगी और दूसरी 4D आएगी दूसरी मॉलिब्डेनम मेटल की। ऐसे ही ये 5D आएगी इस रीनियम मेटल की और ये 5D ऑर्बिटल आएगी इस रीनियम मेटल की। तो अब अपने को देखना ओवरऑल कि अगर अपने को इन ऑर्बिटल्स का नॉलेज है कि किसकी ओवरलैपिंग अच्छी है, तो अपन बता सकते हैं जिसकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी, जिन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग्स अच्छी होगी उनकी बॉन्डिंग्स भी अच्छी होगी, उनकी ओवरलैपिंग्स अच्छी, उनकी बॉन्डिंग अच्छी, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी, तो उसके आधार पर अपन कह सकते हैं वही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो चलिए सोचिए और बताइए कि किस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग अच्छी हो। तो चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप पिछले कॉन्सेप्ट के बेस पर आप यही आंसर दोगे कि 4D जो ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग होगी वो ज़्यादा होगी 5D से। इसका मतलब जो स्टेबल बॉन्ड होगा वो मेरा क्या होगा, वो मेरा मॉलिब्डेनम वाला जो कंपाउंड है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये मेरा ज़्यादा स्टेबल होगा इस रीनियम के कंपेयर में। लेकिन यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक्चुअल में ये ऑर्डर नहीं होता, एक्चुअल में जो ओवरलैपिंग होगी वो बेस्ट ओवरलैपिंग होगी 5D की, एक्चुअल में जो ऑर्डर होगा वो मेरा ये होगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा चाहे स्टार लगा के, जो 5D की ओवरलैपिंग होती है वो सबसे ज़्यादा होती है 4D की कंपेयर में, और 4D की ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है किसके कंपेयर में, 3D के कंपेयर में। अब ऐसा क्यों होता है वो अपन देखते हैं, इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट होता है जिसको अपन बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इसको अपन क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट।
जिसको अपन बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इस शील्डिंग इफेक्ट के बेस पर अपन बताते हैं कि 5d 5d ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है 4d 4d कंपेयर में, और 4d 4d की ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है 3d 3d के कंपेयर में। जनरली ये सारा खेल जो आ चुका है वो अब डी ऑर्बिटल्स का या कहूँ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का आ चुका है, तो वहाँ शील्डिंग इफेक्ट भी आपको देखना ज़रूरी है। शील्डिंग इफेक्ट के लिए एक ऑर्डर होता है, शील्डिंग मतलब प्रिरक्षण होना। प्रिरक्षण किसका? न्यूक्लियस का प्रिरक्षण। न्यूक्लियस के प्रिरक्षण की यह बात होती है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं हम। न्यूक्लियस के प्रिरक्षण की बात हो रही है, ये मेरा न्यूक्लियस है मैंने मान लिया, ठीक है। इसके आउटर में क्या होगा? मेरी एस ऑर्बिटल, फिर मैंने मान लिया मेरी पी ऑर्बिटल, फिर मैंने मान लिया मेरी डी ऑर्बिटल, और फिर क्या होती है मेरी एफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट जनरली क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट से मेरा मतलब है कि इस न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करना या शील्ड करना या प्रिरक्षण करना, या कहूँ इसके चारों ओर से इसकी रक्षा करना। उसकी रक्षा कौन करेगा? जो इस न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट में, जो ये पूरी फैली हुई है, ऐसे गोलाकार है, मैंने ऐसे बना रखा है, ठीक है, ये सारी के अपन गोलाकार मान के चलते हैं। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे एस में, या जो कहूँ पी में, या कहूँ जो डी में सपोज, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किसकी प्रिरक्षा करते हैं? ये इस न्यूक्लियस की प्रिरक्षा करते हैं, इसकी शील्डिंग करते हैं, ठीक है। इस न्यूक्लियस की क्या करते हैं? शील्डिंग करते हैं। अब जनरली शील्डिंग सबसे ज़्यादा कौन करेगा? सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा शील्डिंग करेगा इस न्यूक्लियस की, जो परिरक्षा करेगा, वो करेगा एस ऑर्बिटल्स। कौन करेगा? सबसे ज़्यादा एस करेगा, क्योंकि एस क्या है? एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। तो जो एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या कहूँ जो एस ऑर्बिटल होगी, वही क्या करेगी? इस न्यूक्लियस की सबसे ज़्यादा परिरक्षा करेगी, शील्डिंग करेगी। देन कौन करेगी? देन करेगी अपनी पी ऑर्बिटल, देन डी, एंड सबसे लास्ट में मेरी करेगी एफ ऑर्बिटल। तो शील्डिंग इफेक्ट या कहूँ जो शील्डिंग ऑर्डर आता है वो आता है एस ऑर्बिटल, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। ठीक, इतना तो अपन ने देख लिया। अब जो लास्ट वाली ऑर्बिटल्स हैं डी और एफ, ये क्या करती हैं? सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट शो कर रही हैं एज अ कंपेयर एस एंड पी, ठीक है। अब ये सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट शो कर रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कि इनमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो उनकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग इतनी खास नहीं हो रही है जितनी पी और एस में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? कि डी और एफ ऑर्बिटल कम शील्डिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो यहाँ अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो वो क्या करेगा? वो इस साइज़ को अंदर की ओर, इस और डी ऑर्बिटल की साइज़ अंदर की ओर ना खिसक के बाहर की ओर बढ़ेगी, इसकी साइज़ इंक्रीज करेगी। जैसे डी में इलेक्ट्रॉन आएंगे, एफ में इलेक्ट्रॉन आएंगे, उस मॉलिक्यूल की साइज़ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसका रीज़न क्या है? कि जैसे डी में इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, डी में इलेक्ट्रॉन आ गए, उस इलेक्ट्रॉन को तो क्या होना चाहिए? इस न्यूक्लियस की कुछ शील्डिंग तो करनी चाहिए थी, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा कुछ शील्डिंग होगी, मान लिया मैंने कुछ क्या होगी? शील्डिंग होगी, न्यूक्लियस की साइज़ थोड़ी सी क्या होगी, सॉरी न्यूक्लियस की नहीं, जो ऑर्बिटल्स की साइज़ है वो थोड़ी और नज़दीक आएगी न्यूक्लियस के कंपेयर में, या कहूँ और नज़दीक आएगी डी ऑर्बिटल न्यूक्लियस के, ठीक आएगी। लेकिन एक चीज़ आप और भूल रहे हो कि यहाँ जो पी में और जो एस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करेंगी? वो इस डी में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अपन डाल रहे हैं, उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। वो उनको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे बाहर की ओर, रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। जैसे ही रिपेल करेंगे इसको, तो जो डी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे रिपेल्ड होंगे। रिपेल्ड होंगे तो क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? ये तो कुछ अंदर की ओर खिसकेंगे और ये इसको बाहर की ओर धक्का मारेंगे। उसी वजह से क्या होता है, ये जो इफेक्ट होता है कि इस डी में इलेक्ट्रॉन डालने पर इस न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्शन होगा, तो ये डी ऑर्बिटल कुछ अंदर आनी चाहिए, ठीक है, अंदर थोड़ी खिसके भी अंदर की। लेकिन ओवरऑल जो फैक्टर होगा वो फैक्टर वर्क करेगा इस पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनका रिपल्शन इफेक्ट ज़्यादा प्रभावी होगा। यहाँ इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन इतना प्रभावी होता है कि वो इस डी ऑर्बिटल्स को बाहर की ओर धक्का मारते हैं, या कहूँ डी ऑर्बिटल्स बाहर की ओर जाते हैं। और जैसे डी ऑर्बिटल्स ज़्यादा बाहर की ओर खिसकेंगे तो यहाँ जो गैप होगा वो गैप क्या हो जाएगा? थोड़ा बढ़ जाएगा। इतना गैप हो जाएगा, पहले इतना था, अब बढ़ के कितना हो जाएगा? इतना गैप हो जाएगा पी और डी के बीच में। क्यों? क्योंकि डी में जो इलेक्ट्रॉन है वो जो पी में इलेक्ट्रॉन है वो इस डी में इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, तो इसकी साइज़ बढ़ा देंगे। तो ओवरऑल जो डी और एफ ऑर्बिटल्स हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होता है, और इनकी वजह से जो होती है वो क्या होती है? जो एटम है या कहूँ जो मॉलिक्यूल्स है उसकी साइज़ क्या होती है? इंक्रीज करती है, साइज़ बढ़ती है, ठीक है। ड्यू टू क्या होता है? इस रिपल्शन की वजह से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से, जो पी में इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिपेल करेंगे इस डी में इलेक्ट्रॉन्स को, उसकी वजह से क्या होगा? रिपल्शन होगा। रिपल्शन से क्या होगी? साइज़ बढ़ जाएगी, ओवरऑल मॉलिक्यूल की साइज़ बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो डी ऑर्बिटल हैं वो इस न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर चले जाएंगे, ठीक है।
तो जैसे ही इस न्यूक्लियस से पहले यहाँ पर थे, पहले तो यहाँ पर थे, ठीक है, तो इतनी डिस्टेंस थी, लेकिन अब ये डी ऑर्बिटल्स यहाँ चले गए हैं, तो डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। और जब डिस्टेंस बढ़ गई न्यूक्लियस और डी ऑर्बिटल्स की, तो ये फिर शील्डिंग कहाँ से करेंगे इस न्यूक्लियस की, तो शील्डिंग नहीं करेंगे, बहुत कम शील्डिंग करेंगे, इस वजह से इनका जो शील्डिंग पावर होता है वो सबसे कम हो जाता है। लगभग एफ से क्या होता है, थोड़ा ही ज़्यादा होता है, लेकिन डी का क्या होता है, शील्डिंग पावर एस और पी के कंपेयर में बहुत कम हो जाता है, ये इसका रीजन है, ठीक है, ये अपन ने समझ लिया। अब यहाँ क्या फैक्टर वर्क कर रहा है, यहाँ क्या फैक्टर वर्क कर रहा है जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो डी ऑर्बिटल्स वर्क करेंगे, और डी ऑर्बिटल्स का क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट होता है। शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होने की वजह से क्या है कि अगर यहाँ पर फिर क्वांटम नंबर को कंसीडर नहीं करते हैं, अपन यहाँ अगर क्वांटम नंबर को देखने चले गए कि भाई जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है उसकी ओवरलैपिंग भी अच्छी होनी चाहिए, तो उसके बेस पे तो 3D ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में उसकी ओवरलैपिंग सबसे वीक होती है डी ऑर्बिटल्स के केस में, ठीक है, ओनली मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ जब डी ऑर्बिटल्स का अपन में आपस में कंपेयर कर रहे हैं उस केस में ही, ठीक है, उस केस में ही यही ऑर्डर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि 5D सबसे अच्छी ओवरलैपिंग शो करेंगे, फिर 4D फिर 3D। यहाँ आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कंसिडर नहीं करोगे, यहाँ आपने को देखना, देखिए 5D होगी वो क्या होगी, वो सबसे ज़्यादा अच्छी ओवरलैपिंग करेगी, सबसे ज़्यादा क्या होगी उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ को शो करेगी, ठीक है, एज ए कम्पेयर 4D और 3D। उसका रीज़न है शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी क्या हो जाती है, साइज़ बढ़ जाती है, ओवरऑल उनकी जो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होती है वो भी बढ़ जाती है, और उनका जो शील्डिंग पावर होता है बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल अपन कह सकते हैं कि इस कंपाउंड, इन दोनों कंपाउंड्स में जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो कौन सा कंपाउंड होगा, वो रीनियम वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। बस आपको ये ऑर्डर ध्यान में रखना है कि 5D की ओवरलैपिंग ज़्यादा है 4D और 3D के कंपेयर में, ठीक है। फिर चाहे कोई भी कंपाउंड आए आप उनकी बता सकते हो ओवरलैपिंग के बेसिस पर कि किसकी ओवरलैपिंग अच्छी है, कौन ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ रखेगा, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।